बोले दे दो मम्मा को। नहीं क्यों? दे दो पापा को। नहीं क्यों, क्या मतलब? पहलवान वे प्रोटीन है ना, वो इन्हीं की कंपनी। हंसी पिक्चर आएंगे, हर्ष हंसी पिक्चर आएंगे। तू कर ले दूसरी शादी। ठीक है, कर लेता हूं। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। सुबह हो गई है, आज 9 बजे उठी हूँ। मैं एक बात बोली, मुझे बड़े होके बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर मैं छोटी होती ना तो मुझे 9:30 बजे कोई सोने नहीं देता। बट अब क्या, हम बड़े हो गए, शादी हो गई, काम करते, पैसे कमाते, तो हम अपनी मर्जी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बड़ी खुश हूँ यार, आज पॉडकास्ट का शूट है और पॉडकास्ट हम जिसके साथ शूट करने वाले हैं ना, वो लड़का बहुत ही मेहनती है यार। मतलब कोई ऐसा शो होगा जो उसने नहीं जीता, वो सारे शो का विनर्स है। विनर ऑफ बिग बॉस। ये उठ चुका है और मेरे को बड़ा अजीब होता है यार जब ये उठ जाए और मैं कहीं जाऊँ तो। बट पॉडकास्ट है विनर के साथ, तो वो तो करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी ऑफिस जाते हैं, अरे नाश्ता कर लूँ फिर ऑफिस जाते हैं। अब मैं थोड़ा वक्त अपने बच्चे के साथ बिताऊँगी, थोड़ा सा वक्त। और वैसे भी घर जल्दी आ जाना, फिर तो गोला ही गोला। खाना। चलो जी। सो गाइस, गर्मी इतनी ज्यादा है, इतनी धूप निकली है। चुभती जलती गर्मी। प्लीज सब लोग अपने घर के बाहर या बालकनी में ना एक मिट्टी के बर्तन रखो जिसमें पंछी आके खाना खा सके, पानी पी सके। मैंने तो पिछले साल ही रख दिया था यार, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। ये देखो, बहुत बढ़िया, एकदम चरम सुख। तो चलिए जी, करते हैं जाके विनर के साथ शूट। गाड़ी है? गाड़ी कहाँ पर? Four hours later. आज हम मतलब 2 बजे से आए हैं पॉडकास्ट के लिए, लेकिन जो हमारे गेस्ट थे वो थोड़े लेट हो गए क्योंकि उनकी फ्लाइट थी। और गेस्ट कोई नहीं, अपना छोटा भाई है यार, नरूला साहब आ रहे हैं, पता है ना आपको कौन? अरे प्रिंस नरूला। सो घर में मैंने आपको बता दिया था, एक बार मुझे लगा तैयार होके प्रिंस नरूला करूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वहां मर गए सब गांव वाले। क्या कर रहे थे दोनों? लाइट जान कर रहे, रील बना रहे थे ना, कैमरामैन खुद अकेले में रील बना रहे थे। हैं क्यों? कच्चा बादाम। ये कौन है? तुम कब आए? मेरे हाथ पे हाथ रखो और कहो भारती मैम। भारती मैम, मैं वादा करता हूँ, आग लग जाए, आग लग जाए, भूचाल आ जाए, घोड़े आ जाए, हाथी कोई भी आ जाए, आप पॉडकास्ट रुकवाओगे नहीं? नहीं, नहीं। रुकवाओगे? प्रॉब्लम होगा तो रुकना पड़ेगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। हाथ रख के भी आप कह रहे हो कि करूंगा अगर हुआ तो। टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें, मैं जानता नहीं। मैं ईमानदार, मैं कोशिश करूंगा जहाँ तक अच्छा करूंगा। अच्छा करूंगा मतलब 4 बार रुकवाऊंगा, वैसे मैं 1 बार रुकवाता हूँ। मार साले का खोपड़ी तोड़। साहब आ चुके हैं। प्रिंस नरूला आए। सॉरी भाई, सॉरी भाई, बड़ी शर्म आई यार। वाह करण भाई, इनको देखा सीरियस तो मैं सीरियस हो गई। नरूला साहब आ गए ने, लेकिन थैंक यू सो मच मेरे भाई। आज मेरा भाई एयरपोर्ट से सीधा काम करके इधर ही आया है ना। ब्लैक कॉफी कैंसल, क्योंकि ब्लैक कॉफी पीते हैं बैंड्रा साइड वाले। मलाड वेस्ट, दूध वाली कॉफी लाओ मलाड वेस्ट वालों के लिए। ये ले बोला, ये भी ले जा। पॉडकास्ट में लोग आते ही पहले पूछते हैं हम लोग कॉफी या ब्लैक कॉफी, क्योंकि ब्लैक कॉफी जैसे नमस्ते होता ना, वैसे ब्लैक कॉफी अगर आप आर्टिस्ट हो तो ब्लैक कॉफी दूध वाली ले आप। रहा भैंस को निचोड़ के दूध पा के लिया यार। ये बंदी मुझे माइक लगा रही है। मैंने बोला क्या? मैंने बोला हाउ स्वीट यार प्रिंस। ए कुड़ी ने कदी नहीं किया, ए दो बंदियां नु किया, एक सलमान खान नु, एक दूजे तेनु। सच्ची यार, आ मैं फोटो खींचू। नूर ने मुझे दो ही बंदों के लिए बोला है, पहली बार जब हम बिग बॉस में जाते रहते हैं तो सलमान भाई के साथ करा दो, आज माइक लगा के थी। मैं क्या प्रिंस फोटो आए नहीं, पक्का बिरयानी खिलाऊंगी मैं, बना।
कि 3 लाख तू मुंडे ना फोटो खिंचा के हमारे 15 साल से काम कर रही है और फोटो करा के कहती आप बिरयानी खिलाऊंगी। थैंक यू। ऐ जरा करदा पिया ना मुंडा लोका दी मां भैणा नु कैच कर दिया बोर्ड का शुरू। नहीं कोई बात नहीं, इतनी सीरियस और सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। इसने बोला अगर तू भाई शूट कर शूट कर शूट कर शूट कर बाद में आ जाएगी। और ये क्या आम 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 का जट पाट देगा तेरे पाट मेरे भरा दा गाना है। ये जो पहलवान वे प्रोटीन है ना, मैंने मंगाया था एक डब्बा, वो इन्हीं की कंपनी है। मेरे को लगा ऐड की है, बट ये इनकी है, खुद की कंपनी है, खुद प्रोटीन बनाते हैं। नहीं था मेरे को इतना बुरा लगा कि प्रिंस को जाना था लेकिन नहीं है। और उसके बाद प्रिंस जहाँ पर है लोग वहां पर नहीं है, समझे तुम लोग? एक प्रिंस नरूला और दूसरा मारवाड़ी प्रिंस। ये भाया। बस ये मारवाड़ी प्रिंस थोड़ा सा पेट कम कर रहे। प्रिंस एक बहुत ही अच्छा यार, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये लड़का। ये अब मुझे पता चला किन चीजों में बिजी है। तो ये 90 डेज के लिए लोगों की हेल्प करने का ये चैलेंज अपने पे उठा रहे। प्रिंस को किसी भी टीवी वाले या जो सेलिब्रिटी है सब दोस्त है, एक पैसे की भी मदद नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। बस प्रिंस का ये पोस्ट वीडियो जब भी आप देखो हेल्पिंग वाला आप रीपोस्ट करिए। हम बहुत सारे ट्रेवल्स चैलेंज बनाते हैं कि हम आज जाकर ट्रेवल करेंगे, 90 डेज ट्रेवल करेंगे, 90 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हार्ड चैलेंज लेते हैं ताकि हमसे अगर जितने भी फैंस जितने भी लोग हमारे इसमें आएंगे उनके जो अपने अपने फैंस हैं वो इंस्पायर हों और अपने आस पास देखें कि किसको किसकी जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि आप हेल्प नहीं कर पा रहे आप हम तक रीच आउट करें ताकि हम वहां पर आगे हेल्प कर पाए। कोई कह सकता कि इतना यंग लड़का ऐसे बड़ों वाली बातें करेगा? क्योंकि हम लोगों को लगता कि ऐसी वाली बातें ना फिर आपको 50 के बाद करनी चाहिए। आओ भाई दोस्तों की हेल्प करें। लेकिन अगर हम सब थोड़ा सा टाइम दे देना अपने देश को अपनी कंट्री को। यस समझ रहे हो भाई साहब? सब देंगे साहब, सब देंगे। थैंक यू। आप आज नहा लीजिएगा। मेरे गोती का फोटो, गोती आ जा। हां हां मैम, वो गोती भी होना चाहिए हाँ फोटो में। GOUT गोती। ए गोटिया, ए गोटिया। पता नहीं क्या स्पेलिंग बोल दी है मैंने। GO तो तूने क्या उबासी लेने के लिए ब्लॉग खोला? मैंने जैसे ही बटन ऑन किया मेरे को उबासी आ गई। इसमें कोई इतनी हंसी वाली बात तो थी नहीं। मतलब तूने मुझे अभी मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने सिर्फ लोगों को अपनी उबासी दिखाने के लिए मतलब वीडियो बनाया। अपने दांत के कीड़े दिखाने के लिए। ठीक है तू कर ले दूसरी शादी। ठीक है कर लेता हूँ। ओह नो। मैं भी ना अंकल दूसरी शादी कर रहा हूँ, उनको बोल देना प्रॉपर्ली। हेलो अंकल मैं भी, मैंने इधर वालों को बोल दिया। गाइस ये कह रहा कि तूने मेरी बेइज्जती की, मैं कुछ बोल रहा था तूने बोल रहा था और इसने काटा है। अब इसके फोन है। एक मिनट तू बोल रहा था मैंने कहा काटा तेरे काटा भी? मतलब कैमरा कट कट किया तूने। कैमरा काटा? अरे काटा नहीं कट किया तूने और इसीलिए अब मैं नहीं बोलूंगा। इग्नोरिंग भारती फॉर 24 आवर्स, अब से लेकर कल सुबह तक मैं भारती को इग्नोर कर रहा हूँ। मैंने 24 आवर्स के लिए इग्नोर करना है तेरे को? 24 आवर्स के लिए? हाँ 26 साल का होगा तब तक। सही है तेरी अपनी लाइफ मेरी अपनी लाइफ। सही है। कैसा है ये? सही है। मैं तो डर गई। मैंने तेरे को डराया बिना कैमरे के, पर तूने मुझे डराया कैमरे के साथ। दोस्तों अगर आप प्लीज फॉरवर्ड करके दोबारा देखें मम्मे, थोड़ी सी आवाज आपको मम्मे आई होगी। अच्छा लगा ऐसे तू भागेगी तो आदमी को रिफ्लेक्स पाएगा। बाबू बुला, बाबू को, बाबू को बुला। बाबू ये तो छोटे बाबू घर पे है। यार मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, नूर ने बहुत बहुत सालों बाद कहा कि मैम मुझे फ़ोटो खिंचवानी है। पहली बार कहा था जब सलमान खान से खिंचवानी थी, वो मैंने आज तक नहीं खिंचवाई। जबकि ऐसे मैं सलमान खान नूर ऐसे खड़े पर मुझे फिर भी याद नहीं आया। बट आज प्रिंस नरूला को बोल के बोलती प्लीज फ़ोटो खिंचवा दो। फ़ोटो देखे आपने? फ़ोटो आ रहे होंगे इधर, कहीं डाले होंगे शक्ति ने। देखो भाई क्या फ़ोटो है और बड़ी प्यारी है यार। प्रिंस नरूला की फैन बोले आपके हाथ में क्या है? दे दो मम्मा को। दे दो बोले, दे दो मम्मा को। नहीं क्यों? नहीं क्यों? दे दो मम्मा को।
नहीं क्यों, क्या मतलब ऊपर चढ़ाऊं? माँ शक्तिमान दे दो मम्मा को। नहीं क्यों, दे दो मम्मा को। नहीं क्यों, क्यों? अच्छा गोले, आज मम्मा कहाँ गई थी? गोवा। ओह नो, गोवा? मम्मा कहाँ गई थी आज? दीदा। पापा के साथ गई थी कि अकेले गई थी मम्मा? हाय, क्या कर रहा है? बंद। इसको क्या करते हैं गोले, इसको क्या करते हैं? चमक लाए। कान में लगाओ। दे दो मुझे। क्यों? बोले दे दो पापा को। नहीं क्यों का मतलब क्या होता है? नहीं क्यों, ये कहाँ से सीखा भाई? नहीं क्यों, दे दो मुझे। बाबू दे दो पापा को। नहीं क्यों, पापा को दे दो। नहीं 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 नहीं, पता नहीं ये कहाँ से सीख कर आया है। नहीं क्यों, नहीं क्यों। अब पंगा टाइम, अब पंगा टाइम। बुरे, कैसी आवाज निकालते गोले? तो चलिए जी, इन दादी नानी का तो चलता रहेगा। ये दादी नानी की अभी लास्ट ड्यूटी थी, अभी ये घर चले जाएंगी। सुबह से लेके शाम तक हमने ड्यूटियां लगाई हुई हैं क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, इसीलिए। बट आज का पॉडकास्ट करके बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा, और प्रिंस की बातें बड़ी अच्छी और कुछ सीखने को भी मिला। ज़रूरी नहीं कि है ना हमेशा हम बुज़ुर्गों से ही सीखें, छोटे लोग भी बहुत 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 अच्छा कभी कभी कुछ सीखने को कुछ ऐसा बोल देते हैं। आप बोलेंगे कुछ? और अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो कम बोलो, है ना? ये कह लगे मुझसे, अभी मुझसे, मुझे अपना गुरु बना ले, मेरी बन जा चेली। मैं तेरे को बताता हूँ क्या गुरु एक ही है और वो है गुरमीत चौधरी, अपना गुरु जिसको हम गुर कहते हैं, वो गुरु एक ही है। सो बस पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा, प्रिंस नरूला का माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग बातें। और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, कल फिर मिलते हैं। एक बात बता, क्या ये बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ गोले की छोटी बहन आने वाली है, क्या ये सच है? क्या 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 मैंने आपको पीटर बना दिया।